My screen is visible. Yes, sir. Okay, so today we are going to see this shot. Basically, ये एक chroma shot है. See, this is a chroma shot. इसको comp किया है ऐसे, right? Visible है सबको? Yes, sir. ओके ऑल दो वी नीड टू रिमूव दीज थिंग्स, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं उसको रिमूव करने की ज़रूरत है, सो आने वाले टाइम में करेंगे हम लोग. बट वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन रिटेन. अगर मैं आपको दिखाऊँ सो मेजर प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है, इधर हेयर की डिटेल रिमूव करने में या जैसे कोई भी जैसे छोटे छोटे डिटेल हैं वो की आउट करने में प्रॉब्लम आती है, राइट? ऐसा होता है सबके साथ? Yes, sir. So, अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ सो यू कैन सी कि ईच एंड एवरी हेयर का डिटेल वी हैव ओवर हियर, दिख रहा है? Yes, sir. As you can see over here, beard का भी देखो एक एक डिटेल. सो स्क्रैच से देखते हैं किस तरीके से इसको कर सकते हैं हम लोग. सो ऑलरेडी आई मेड अ फ्लो, but let's start with scratch, right? So first thing first, you need to understand before starting keying ki noise kitna aapke footage mein hai. So already aap dekh rahe ho ki denoise kiya hua footage hai. So let me figure it out, noise kahan pe hai. So here I have main footage jo hai wo yahan pe hai, agar aapko dikh raha hoga yahan pe. To अगर नॉइज आपको चेक करना है, नॉइज है ग्रेन, ग्रेन बेसिकली इसको बोलते हैं. नॉइज इज नॉट अ राइट टर्म, ग्रेन इज द राइट टर्म. ग्रेन कितना है देखने के लिए आप ब्लू चैनल हिट करेंगे अपने कीबोर्ड का, बी हिट करेंगे कीबोर्ड का तो ब्लू चैनल एक्टिवेट हो जाएगा. नाउ यू कैन सी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ग्रेन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, देख रहे हैं? सी, दिख रहा है सबको? यस सर. प्रीति, इज इट विजिबल? यस सर. इट माइट भी आपको लग सकता है कि यार मैं तो मैक्स माया की कैंडिडेट हूँ तो मैं क्यों ये देखूँ, बट डोंट वरी, जस्ट सी हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ ज्ञान ले लो अगर फ्री में मिल रहा है तो, राइट? सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ये जानने की ज़रूरत है कि नॉइज या ग्रेन, ग्रेन को रिमूव कैसे करेंगे, राइट? सबसे ज़्यादा ग्रेन जो होता है आपको ब्लू चैनल में विजिबल होता है, रेड और ग्रीन में भी ग्रेन होगा बट उतना विजिबल नहीं होगा जितना आपको ब्लू चैनल में ग्रेन विजिबल होगा, राइट? सम अदर डे वी कैन डिस्कस कि क्यों ऐसा होता है, राइट? बट इजली यू कैन सी कि ग्रेन आपको यहाँ पे विजिबल है, राइट? तो इतना डिटेल में नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ. अभी दिख रहा है? हाँ थोड़ा, क्योंकि वो बफर होके जा रहा होगा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो बफर हो रहा है, राइट? लेट मी शो इट टू यू, माइट बी यहाँ पे अच्छे से दिखेगा. वेट, अभी दिख रहा है? यस सर. आई थिंक अभी विजिबल होगा, मेरे को दिख रहा है वो थोड़ा सा जर्क जर्क लेके जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बफर हो रहा होगा आपके एंड पे, इंटरनेट का कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, राइट? बट ईजली यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रेन आपको मूव होता हुआ दिख रहा है, राइट? यहाँ पे मेरा कर्सर है, राइट? सो सबसे पहले उसको रिमूव करते हैं कि किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल वेज टू डू दैट, राइट? कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप न्यू का जो बाय डिफॉल्ट नोड है डी नोइज करके, उसको यूज़ कर सकते हैं आप, राइट? डी नोइज कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें सोर्स ऐड करेंगे और उसको बताएंगे, यहाँ पे पैटर्न बताएंगे कि कौन सा एरिया आपको सेलेक्ट करना है जहाँ पे नॉइज़ का पैटर्न आपको मिल रहा है. तो ऑलवेज रिमेम्बर कि जहाँ पे फ्लैट सरफेस है, जैसे यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उसी को फ्लैट सरफेस पे ही रेफरेंस पॉइंट आप बनाएं. यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सरफेस लाइट का वेरिएशन होगा, राइट? सो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है नॉइज के पैटर्न को रीड करने के लिए, राइट? सो यहाँ पे जैसे ही आप नॉइज का पैटर्न यहाँ पे बताएंगे कि नॉइज का पैटर्न यहाँ पे है और
यू आर गोइंग टू चेक योर ब्लू चैनल वन मोर टाइम एंड आप इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा डार्क करूँ तो नॉइज बहुत ही हद तक या ग्रेन बहुत ही हद तक क्लियर हो गया, देख रहे हैं, देख रहे हैं सबको? यस सर, ये विद नॉइज और विदाउट नॉइज, सो दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, देख रहे हो अपना कैरेक्टर भी स्मूथ हो गया, बट बहुत ज़्यादा नहीं, डिटेल बहुत ज़्यादा लूज नहीं हुई है। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कि बहुत ज़्यादा डिटेल भी लूज ना हो। एक तो तरीका ये है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, वी हैव अ प्लग इन कॉल्ड नीट वीडियो, नीट वीडियो का रिड्यूस नॉइज करके प्लग इन होता है, अभी तक के मार्केट में सबसे बेस्ट डीनोइजर अवेलेबल है ये, राइट? सो इसको देखते हैं और यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रिपेयर नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे आप, और जैसे ही नॉइज प्रिपेयर नॉइज प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे इट विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप नॉइज का पैटर्न सेम वे आप बनाएंगे जहाँ पे फ्लैट सरफेस मिल रहा है, राइट? सेम वे, नाउ हिट ऑटो प्रोफाइल, इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगर मैं अप्लाई हिट करूँगा सेम वे थोड़ा सा प्रोसेस करेगा ये, एंड इजली वी कैन सी इन ब्लू चैनल ये बहुत ही अच्छे तरीके से, और डीनोइज से भी बहुत अच्छे तरीके से इसने नॉइज को रिमूव कर दिया है और अपनी डिटेल भी बहुत ज़्यादा लूज नहीं हुई है। पहले वाले में थोड़ा बहुत डिटेल लूज हो रहा था, स्मूथ हो रहा था अपना कैरेक्टर, बट इस पैटर्न से ये वाला टूल यूज करके मेरे को डिटेल लूज नहीं हो रही है, दिख रहा है सबको? यस। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि अभी अभी अपने जस्ट देखा कि नॉइज की अपनी एक अलग मूवमेंट होती है, जो ग्रेन होते हैं उनकी अपनी अलग मूवमेंट होती है। अगर हम ग्रेन के साथ ही की करेंगे तो एजेस पे जिटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली गलती हम करते हैं कीइंग करने से पहले कि हम डीनोइज या डीग्रेन नहीं करते हैं अपने फुटेज को, तो एजेस पर जिटर आने लगते हैं, तो फिर हमने एज ब्लर वगैरह करके हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, करते हैं सर। सो दिस इज द थिंग वी नीड टू टेक केयर अबाउट दैट। ये होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसको रेंडर आउट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने रेंडर आउट कर लिया है यहाँ पे, यहाँ पे देखो फुटेज लिखा होगा डीनोइज फुटेज, राइट? शॉर्ट वन डीनोइज, मतलब इसमें नॉइज नहीं है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा करने का रीज़न ये है कि जो डीनोइज का वो होता है ना, आपका डीनोइज का नोड होता है, वो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अगर डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका सिस्टम स्लो हो सकता है, राइट? तो बेटर वे कि आप रेंडर आउट कर लें, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, कोई डाउट अभी तक? नो सर। अब देर आर मल्टीपल वेज टू की आउट, राइट? की आउट करने का या कीइंग करने का पर्पस ये होता है कि अपने कैरेक्टर को, अपने फोरग्राउंड को हम एक्सट्रैक्ट कर लें और अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम बैकग्राउंड में कोई भी अपनी इमेजेस या अपने जो भी बैकग्राउंड है वो उसको रिप्लेस कर दें, राइट? सो न्यूक में बहुत सारे की के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट? आप यहाँ पे जाएंगे तो इतने सारे टूल्स आपको मिलेंगे की करने के लिए, जिसमें से डिफरेंस की, ह्यू कीयर, आईबीके गिज़मो, आईबीके कलर कीयर, प्राइमेट कीलाइट, अल्टीमेट और क्रोमा कीयर अवेलेबल हैं, राइट? मार्केट में या इंडस्ट्री में जो मेजर टूल्स यूज किए जाते हैं वो है आईबीके कलर एंड आईबीके गिज़मो, प्राइमेट और कीलाइट। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी के यूज़ नहीं किए जाते, यूज़ किए जाते हैं, बट मेजोरिटी में ये तीनों नोड यूज़ किए जाते हैं। पर्सनली मैं प्रीफर करता हूँ आईबीके और कीलाइट यूज़ करना, अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रीमेट यूज़ करना मैं प्रीफर करता हूँ। इट्स ऑल अप टू योर पर्सनल प्रेफरेंस, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी टूल को यूज़ करके आप सारे की कर सकते हो, क्लियर? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक अ नोड कॉल आईबीके गिज़्मो एंड आईबीके कलर, राइट? Let me arrange it. The full form for this IBK is image based keyer, right? इसको बोलते हैं हम लोग इमेज बेस्ड केयर। इसमें दो नोड इकट्ठे काम करते हैं, कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। IBK कलर जो है, IBK कलर आपका एक क्लीन प्लेट बनाने के काम में आता है। अब क्लीन प्लेट क्यों बनाते हैं हम लोग, सिंपल सा फंडा है, अगर मैं किसी भी तरीके से इस कलर को माइनस कर दूं, राइट? इस कलर को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे को, ये बचेगा, सिंपल सा फंदा है।
अगर मैं ये वैल्यू माइनस सेम वैल्यू कर दूं तो क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, और जीरो मीन्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। आर गेटिंग माई पॉइंट? आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो लेट मी डू वन थिंग, आई एम गोइंग टू पिक दिस कलर, राइट, सेम कलर हो गया, ये कलर और ये कलर सेम हो गया ना, ऑलमोस्ट सेम हो गया, हालांकि नीचे से थोड़ा सा डिफरेंस है। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलते रहो। यस सर, यस सर, यस ओके। नाउ आई एम गोइंग टू टेक मर्ज नोड, राइट, सिंपल। और लेट मी डू वन मोर थिंग, आरजीबी ए, ठीक है। और इस मर्ज में आई एम गोइंग टू यूज, सपोज दैट आई एम गोइंग टू यूज डिफरेंस। अभी डिफरेंस क्यों यहां पे भी काम कर रहा है कि ये कॉन्स्टेंट इसके ऊपर भी वर्क कर रहा है, राइट। अगर मैं सपोज दैट सेम वे अगर मैं माइनस यूज करूं, या सी अभी क्या हो रहा है, मतलब ग्रीन माइनस यहाँ पे जो कलर था वो भी उसमें से माइनस हो गया तो ये बचा, बट ऑटोमेटिकली अगर इसको हम छोड़ दें तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, मतलब क्रोमा अपना हट रहा है ना। तो सेम प्रोसेस यूज करता है आपका आईबी के कलर एंड आईबी को गिज, मतलब क्या करता है वो, सब्ट्रैक्टिव मेथड पे काम करता है की आउट करने के लिए। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सो उसी के लिए क्या करना, सपोज इट क्लीन प्लेट क्या होता है, क्लीन प्लेट सपोज इट अगर ये कैरेक्टर यहाँ पे नहीं रहता तो पीछे क्या दिखता है, इसके पीछे क्या दिखता, ये वाला ग्रीन ही दिखता, राइट। सो दो तरीके हैं, या तो शूट करते टाइम अगर आपने इस कैरेक्टर को शूट किया है तो एक क्लीन प्लेट भी शूट कर लेते हैं हम लोग कैरेक्टर को हटा के, ताकि हम लोग को ये क्लीन प्लेट यहाँ पे मैनुअल बनाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन वो कब काम में आता है, जब आपका कैमरा स्टैटिक रहता है, तब अगर कैमरा मूवमेंट रहता है तो क्लीन प्लेट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हम लोग को शूट करना, राइट। सो अगर हमने शूट नहीं किया है तो भी हम यहाँ पे क्लीन प्लेट बना सकते हैं, हम आईबी के कलर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट स्क्रीन टाइप ब्लू होता है, अगर आपको जिस कलर का क्रोमा है उस कलर का ही यहाँ पे स्क्रीन टाइप चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, स्क्रीन में ग्रीन और ब्लू, यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे ग्रीन है तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट माय ग्रीन। एंड ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं चेंज करता हूँ, जैसे साइज को मैं नॉर्मली 1 या 0.5 से मैं शुरू कर सकता हूँ, नॉर्मली लोग 10 पे ही कर देते हैं, राइट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एंड डार्क्स को आई एम गोइंग टू थोड़ा सा डार्क पे काम करना शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली अपन एक कटआउट बना रहे हैं यहाँ पे, राइट। And again I'm going to play with light. देखो now it's coming good. इसको कम करेंगे, जहां तक कटआउट रहेगा वहां जितना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपका कैरेक्टर पूरा अगर कटआउट के अंदर आ रहा है तो दैट इज गुड। सो यहाँ पे करते हैं अपन यहाँ तक, अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा हम इरोड भी कर सकते हैं, राइट। आगे ही रोड को चेंज करेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। अब जैसे हेयर अभी नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, बट डोंट वरी, हम तब तक चेंजेस करेंगे जब तक यहाँ पे बर्स्ट आउट होना शुरू नहीं हो जाता, जैसे, ठीक है, लेट मी फिगर इट आउट, जब तक हो रहा है तब तक करते हैं। पिक्सल बर्स्ट होने शुरू होंगे तब हम रुक जाएंगे, जैसे अभी मेरे को दिख रहा है कि पिक्सल बर्स्ट होने शुरू हो जाएंगे थोड़े देर के बाद। जैसे देखो अभी ये वाला जो पार्ट है ना वो हेयर ही कवर कर रहा है, हेयर को ही कवर कर रहे हैं हम लोग, बट मेरे को लगता है कि ठीक है, बाकी हम बाद में चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पे बर्स्ट होना शुरू हो गया ये वाला पिक्सल्स, तो हम उतना नहीं जाएंगे, थोड़ा कम कर देंगे हम लोग, बर्स्ट नहीं करना, सिंपल सा फंडा है, बर्स्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है, इतना बॉस नहीं करेंगे। ओके, सो ये करने के बाद अपन क्या करते हैं, अब डायरेक्टली हम नॉर्मली क्या करते हैं, इसी में पैच ब्लैक कर देते हैं, करते हैं ना ऐसा, बहुत सारे पैच ब्लैक करके ऐसा फिक्स कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, देख रहे हो अभी कलर में वेरिएशन दिख रहा है और ब्लर दिख रहा है, ऐसा नहीं करना रहता हम लोग को। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज अ मेथड कॉल्ड स्टैकिंग मेथड ऑफ क्रिएटिंग क्लीन प्लेट, राइट। सो आई एम गोइंग टू कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी,
सेम उसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ एंड इसमें आई एम गोइंग टू यूज पैच ब्लैक वन। तो जैसे ही वन किया देखना थोड़ा सा अंदर की तरफ पिक्सल आया, दिख रहा है? पहले हमने कटआउट बनाया इस वाले से और अब उस कटआउट को पैच कर रहे हैं यहाँ के पिक्सल से, मतलब इसको ऐसे स्ट्रेच करके इधर लेके आएंगे तो ये क्या होगा, ग्रीन ग्रीन पूरा हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ये फिल हो जाएगा। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम आएगी अभी, और ऑलवेज रिमेम्बर जो स्टैकिंग हम यूज कर रहे हैं ना, ये पैच का वैल्यू जस्ट डबल करते जाएंगे। तो इसमें वन है तो इसमें टू किया, राइट? अब इसमें टू है तो इसमें क्या करेंगे, फोर। दिख रहा है? बट अभी देखो प्रॉब्लम आ रही है क्या अपने को, ये दिख रहा है स्ट्रेचिंग, क्योंकि ये हेयर का पिक्सल हमने कवर नहीं किया था। समझ में आ रहा है आपको? तो वो हेयर का पिक्सल कैसा था, डार्क था, तो वो डार्क पिक्सल को ही स्मर्ज करके इसमें मिक्स करने की कोशिश कर रहा है, विच इज रॉन्ग। अगर सपोज दैट ये कैरेक्टर नहीं होता तो ऐसे डार्क पिक्सल्स होते थे क्या यहाँ पे? नहीं ना? No. तो हमें वो भी रिटेन करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप इस वाले आईबीके में जाएंगे और हम यहां से इरोड को चेंज करेंगे। अभी देखना वो क्लियर हो रहा है आपका? Yes, देखो sir. इरोड थोड़ा बढ़ाएंगे, बट डोंट वरी, एक बार मेरे को पूरा क्लियर कर लेने दो, एक बार पूरा पैच कर लेने दो, फिर उसको फिक्स कर सकते हैं हम ऑटोमेटिकली, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फर्स्टली लेट मी पैच इट बैक। सो फोर की जगह यहां पे अब हम टाइप करेंगे एट, ठीक है? अब एट की जगह हम यहां पे टाइप करेंगे 16, जस्ट डबल करना है अपने को। सही, इट विल टेक सम टाइम बिकॉज ये 4K फुटेज पे काम कर रहे हैं हम लोग। एंड इन दिस आई एम गोइंग टू यूज 32। राइट नाउ अब क्या है, अब ऑलमोस्ट हम कैरेक्टर के बहुत अंदर तक श्रिंक कर चुके हैं, तो एक और लेके मैं ऑटोमेटिकली क्या करता हूँ, इसको इसी में पूरा पैच करने की कोशिश करता हूँ। तो ऑलमोस्ट 64, 70 कर देता हूँ, 80, तो पूरा पैच हो गया। लेकिन अभी गड़बड़ हो रही है, अभी देख रहे हो ना गड़बड़ हो रही है। सो सबसे पहले वाले में जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले वाले में, और माइट बी आई ट्राई टू रिकवर इट बाय एक्सपेंडिंग माय इरोड। देखो अभी कम होने लगा, फिर से देखो ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, सब ग्रीन हो गया, स्मजी नहीं दिख रहा। यू कैन यूज दिस दीज वैल्यूज एज वेल टू रिड्यूस दैट थिंग, बट ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि आपका काम इससे हो गया है। क्लियर? तो अभी एक पूरा परफेक्ट क्लीन प्लेट बन गया। हम सिंगल में ही क्यों नहीं किया हमने, सिंगल में करते हैं ना कभी तो पूरा ब्लर ब्लर हो जाता है, तो ब्लर नहीं होना चाहिए। अभी देखो परफेक्ट ये डिटेल मेरे को एज इट इज मिल रही है, क्योंकि वैल्यू अगर चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, मतलब अगर आप 1 में से 0.9 ही माइनस करोगे तो 0.1 की वैल्यू तो बच जाएगी ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? सो वो हाँ, वो चीज़ से हमें अवॉइड करना है। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आईबीके गिज़्मो यूज करेंगे, राइट? सी में जाएगा आपका क्लीन प्लेट या कलर, और इसमें एफजी ऐड करेंगे हम यहाँ पे, राइट? मतलब फोरग्राउंड। और यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्लू की जगह हम यूज़ करेंगे ग्रीन। अब जैसे ही ग्रीन यूज़ किया आप देखना परफेक्टली आपका क्रोमा सारा रिमूव हो गया है। ऑलवेज ट्राई टू चेक योर अल्फा वाइल रिमूविंग क्रोमा। आप देख रहे हो कितना परफेक्टली रिमूव हुआ है, हेयर की डिटेल भी ठीक ठाक रिमूव हो गई है, देख रहे हो? यस सर। बट एक प्रॉब्लम इसमें आएगी, जैसे प्रॉब्लम क्या है, जैसे अल्फा को आप यहाँ पे कम करोगे ना, आपको देख रहा है होल दिखने शुरू हो गए, तो इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड ऐड करोगे ना तो क्या होगा, उधर से भी ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा आपको, देख रहे हो ये सब? यस सर। सो नाउ वी नीड टू क्रिएट अ कोर मैट। कोर मैट क्या होता है, पूरा हार्ड मैट होता है बेसिकली, जो आपके किसी भी तरीके के होल को फिल करता है। सो हाउ वी कैन डू दैट, बहुत सिंपल है। आप अगर हार्ड मैट चाहिए तो प्राइमेट इज द बेस्ट टूल टू डू दैट,
देख मैं प्राइमेट लेता हूँ, राइट, और प्राइमेट में जाके मैं बोलता हूँ कि आप कलर सेलेक्ट करें, एक बार रीसेट करते हैं इसको, रीसेट नहीं हुआ, वॉइस हो, ओके कोई नहीं, सेकेंड टाइम प्राइमेट ले लेता हूँ, नॉट एन इश्यू। एंड नाउ वी कैन क्लिक, ओके सो ये जो प्रॉब्लम है उससे घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कलर यूज नहीं करने वाले, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा यूज करना है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट, तो वो डोंट वरी, हम उससे फिक्स कर लेंगे। सो ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर अल्फा मेरे को मिल रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे क्लीन बीजी नॉइज, सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस एंड आई एम गोइंग टू पिक माय बैकग्राउंड नॉइज, कि क्या बैकग्राउंड नॉइज में आपको हटाना है। सो इजीली वी कैन सेलेक्ट दैट, सी एवरीथिंग रिमूव्ड, हमें सॉफ्ट एजेस को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी हार्ड मैट यूज कर रहे हैं। नाउ एफ जी नॉइज में जाओ और इसको थोड़ा सा फिल करने की कोशिश करो बाय सेलेक्टिंग दिस, राइट, इसको फिट करते हैं। देखो इसमें कोई भी, ये जो रेड रेड है ना, उससे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा चाहिए, राइट, अल्फा में होल नहीं होना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। अभी ठीक है अल्फा। Now I am going to take a node called channel merge. Channel merge क्या करता है, दो अल्फा को मर्ज करता है, राइट, सो अगर यहाँ पे देखोगे आप, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे अल्फा में आपको क्या दिख रहा था, होल दिख रहा है यहाँ पे अल्फा में, यहाँ पे आपको अल्फा में होल दिख रहा है यहाँ पे, और जैसे ये मर्ज किया होल सारा गायब हो गया, राइट, क्योंकि हमने इस अल्फा में ये हार्ड मेट अल्फा मर्ज कर दिया, क्लियर। बट अभी एक प्रॉब्लम आएगी, माइट बी हार्ड एजेस यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे आपको, यहाँ पे थोड़े हार्ड एजेस दिखने शुरू हो सकते हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो हाउ वी कैन फिक्स दैट, सिंपल है। आप इसके बाद एक डायलेट नोड यूज कर रहे हैं, मतलब इरोड नोड यूज कर लें, इरोड फिल्टर, और थोड़ा सा इसको डायलेट कर लें, और इनफैक्ट रदर देन यूजिंग दिस आप दूसरा वाला इरोड यूज करो, इरोड फास्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ श्रिंक करेंगे और एक एज ब्लर ले लेंगे। ये सारी चीजें बाद में भी हम ट्वीक करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, देखना इसको लेने के बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा एज ब्लर यूज किया। नाउ यू कैन सी कि आपका सॉफ्ट एज भी जो यहाँ से निकला है वो भी रिटेन है और आपका ये भी रिटेन, अगर चाहिए आपको तो थोड़ा सा और डायलेट कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सॉफ्ट एज और कर सकते हैं, इज इट क्लियर टिल नाउ? यस सर। कोई डाउट है अभी तक पूछो। सी अगेन हम लोग को कितना बहुत आसान लगता था क्रोमा रिमूव करना, राइट, एक कीलेट लगाते थे एंड एवरीथिंग इज डन, बट फिर भी बोलते थे कि यार क्रोमा तो अच्छे से रिमूव हुआ नहीं है, होता था ऐसा अनिकेत? यस सर, यस सर। सो ये होने के बाद अभी जस्ट मैंने बोला कि अपने को सिर्फ यहाँ पे अल्फा देखने की जरूरत है, सो वॉट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग, इसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड अगेन, दिस इज कॉल्ड अल्फा प्रोसेस, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि नहीं यार कुछ थोड़ी हेयर के डिटेल थोड़ी रह गई है, जैसे फॉर द सेक ऑफ टाइम बींग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक अ चेकर बोर्ड,
जस्ट देखने के पर्पस से मैं ऐड करता हूँ चेकर बोर्ड यहाँ पे, राइट, और इसको और अपने क्रोमा को दोनों को चेक करता हूँ। तो मेरे को ऑलमोस्ट डिटेल तो मिल गई है, कोई इश्यू नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल लूज़ कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ी बहुत डिटेल हम यहाँ पे लूज़ कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आ ही गया डिटेल, कोई बहुत वो नहीं है, बट फिर भी आपको लगता है कि कहीं का डिटेल लूज़ हो गया है, डिटेल हम लोग थोड़ा सा मिस कर रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू नाउ, वी कैन यूज़ अ सॉफ्ट मैट। हालांकि बहुत अच्छी डिटेल आ गई हम लोग के पास, राइट, देख रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छी डिटेल आ गई है, बट स्टिल यू आर फीलिंग कि नहीं यार थोड़ी डिटेल तो रह गई है। तो हम अब सॉफ्ट मैट का इस्तेमाल करेंगे। अब सॉफ्ट मैट कैसे कर सकते हैं, आई कैन टेक अ नोट कॉल्ड की लाइट। की लाइट इज़ द बेस्ट नोट टू डू सॉफ्ट की, राइट। तो इसको सोर्स में ऐड करते हैं, एंड सोर्स में ऐड करने के बाद आई कैन जस्ट, अब सपोज दैट मेरे को ना ये डिटेल, हेयर डिटेल निकालनी है, या सपोज दैट ये वाली हेयर डिटेल निकालनी है, राइट, तो हम क्या करेंगे, पिकर लेंगे और कंट्रोल के साथ सिंपल एक क्लिक करेंगे, सिर्फ एक क्लिक। जैसे यहाँ पे देखो ये तो नहीं ले सकते ना, ये तो गड़बड़ होगी, तो सिंपल थोड़ा बारी बारी से क्लिक करके देखते हैं कहाँ पे अच्छा डिटेल अपने को मिल रहा है। सपोज दैट मेरे को लगता है कि ये वाला डिटेल थोड़ा मेरे को अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, या माइट भी थोड़ा नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये वाला डिटेल थोड़ा मेरे को अच्छा मिल रहा है, राइट, मिल रहा है ना यहाँ पे। यस यस सर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर नोड विच इज कॉल्ड की मिक्स। यूज किया किसी ने ये नोड, की मिक्स? अब की मिक्स कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। की मिक्स में तीन इनपुट्स होते हैं, ए ए बी और मास्क। तो बी इनपुट जो होता है वो बैकग्राउंड का इनपुट होता है, राइट, और ए इनपुट जो होता है वो फोरग्राउंड का इनपुट होता है। बट ये काम कैसे करता है, जैसे सपोज इट मैं बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ऐड भी कर दूंगा ना, तो ये काम नहीं करने वाला, यही दिखेगा आपको। ये काम कैसे करता है कि जो भी मास्क का इनपुट होगा उतने ही एरिया में आपका फोरग्राउंड दिखेगा बैकग्राउंड के ऊपर। अभी समझा आपको? समझा एक बार और? नहीं सर अभी समझा नहीं। अब नॉर्मल मर्ज क्या काम करता है, मर्ज में काम कर क्या करता है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड और वो इंफॉर्मेशन दिखने लगती है, ये फोरग्राउंड है ये बैकग्राउंड है, और दोनों को मर्ज किया तो मर्ज में दिखने लगा ना, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। बट सिंपल अगर की मिक्स मैं यूज कर रहा हूं तो की मिक्स में देखो अभी भी बैकग्राउंड ही दिख रहा है, दिख रहा है आपको, फोरग्राउंड का इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि फोरग्राउंड तब तक एक्टिवेट नहीं होगा जब तक आप उसमें मास्क का इनपुट नहीं देते हैं। मतलब मास्क जितना इनपुट देंगे जितने एरिया में, उतने ही एरिया में फोरग्राउंड आपको दिखने वाला है। जैसे मैं एक रोटो लेता हूं और मैं, मेरे को क्या करना है, इतने एरिया चाहिए था क्योंकि हमने ये वाला एरिया मास्क किया था ना, मतलब की किया था सॉफ्ट मैट के लिए ये वाला एरिया, तो मैं यहां पे एक मास्क बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा फेदर दे देते हैं, मास्क बनाता हूं, और इस मास्क का जैसे इनपुट में मास्क में दूंगा, यहां पे देखना अभी क्या दिख रहा है, बैकग्राउंड, बट जैसे ही इसमें दूंगा देखना यहाँ पे इतने एरिया में फोरग्राउंड भी दिखना शुरू हो जाएगा। अभी तक नहीं दिख रहा था, देखो अभी तक नहीं दिख रहा था, बट जैसे ही मास्क ऐड किया उतने ही एरिया में मेरा फोरग्राउंड दिख रहा है। अभी समझा आपको? मतलब फोरग्राउंड दिख रहा है बैकग्राउंड के ऊपर, क्योंकि बेसिकली की मिक्स मिक्स करने का एक नोड है, बट उतना ही एरिया मिक्स करता है जितना आप मास्क उसको बोलते हो कि इतने एरिया में ही मिक्स करना है। अभी समझा आपको? लेकिन सर इसके साथ ये नॉइस पैटर्न भी आ रहा है। हाँ, ये वाला ना, ये वाला ना। यस सर। हाँ, क्योंकि वो इसमें है ना, की लाइट में है, की लाइट में इसलिए आ रहा है, उसका भी सोल्यूशन है हमारे। दोबारा से बोलो, दोबारा से इसमें डीनोइस वगैरह सब कुछ शुरू से शुरू करना हो? नहीं नहीं, क्यों, डीनोइस तो किया हुआ है ना ये सब, बताता हूँ बताता हूँ उसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा, मैं बताता हूँ आपको, डोंट वरी। इसमें ऐड कर लेते हैं, राइट, सब सोल्यूशन है हमारे पास। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी नॉइज की वैल्यू 0.05 से ऊपर है तो वो आपका बैकग्राउंड ऐड के ऊपर दिखेगा, वो आपका क्या होगा, बैकग्राउंड के ऊपर दिखेगा।
अभी इसके इस नॉइज की वैल्यू कितनी है, अब अगर ध्यान दोगे वेट अ सेकेंड समथिंग हैपेंड ओके या अब इस नॉइज की वैल्यू देखो कितनी है 0.07 0.06 है ना, मतलब ये नॉइज हम लोग को दिखने वाला है। तो व्हाट वी नीड टू डू, अगर 0.5 के नीचे होता तो वो नहीं दिखता मर्ज करने के बाद। तो व्हाट वी नीड टू डू, इधर फिर से हम दोबारा पिक करें और स्क्रीन मैट में जाके थोड़ा सा क्लिप ब्लैक पे काम कर रहा है, लेकिन जैसे क्लिप ब्लैक काम करोगे ना आपका ये भी इंफॉर्मेशन चला जाएगा। तो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फिगर इट आउट सम अदर प्लेस। जैसे ये मेरे को सही लग रहा है अभी, बट स्टिल लेट मी फिगर इट आउट। जैसे ये वाला पार्ट मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ इतने एरिया में। जो वैल्यू मेरे को पता है 0.5 के नीचे है, वो वैसे ही नहीं दिखनी है। अभी समझा, ये देखो वैल्यू कितनी 0.5 के नीचे है ना, 0.05 के नीचे है अल्फा की वैल्यू, तो मेरे को उसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो वैसे भी नहीं दिखने वाला है, राइट। समझा सबको, एंड नाउ इट्स लुकिंग गुड। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे अल्फा, अगर यहाँ से मैं दिखाऊं तो थोड़ी बहुत इसमें हमने डिटेल और ऐड कर लिया जो इसमें रिमूव हो रही थी, गायब हो रही थी। देखा, डिटेल ऐड हो गया सर। सो जो हमारी अल्फा की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ रोटो में दिखेगी, कीलेट में लगी नहीं, की मतलब मास्क हो गया ना ये, कीलेट में क्यों दिखेगी। नहीं सर, जब हम उसकी वैल्यू जो पिक कर रहे हैं किलाइट में आई ड्रॉपर से, तब हम नोटिस नहीं कर सकते कि हमारी जो नॉइस वैल्यू है या फिर हमारी जो ग्रेन आ रहे हैं उसकी वैल्यू हमें पता चल जाए। हाँ तो यहाँ पे कर रहे हैं ना, देखो ना यहाँ पे 0.03। नहीं सर, पिक करते टाइम पता नहीं चलेगा ना। ये वाला पिक करते टाइम जी सर, नहीं वो पिक करते हैं तो वो उस वैल्यू के जितने भी पिक्सल्स होते हैं उसको रिमूव कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। जो बचा हुआ पिक्सल्स है ना डार्क साइड डार्क एरियाज में या ट्रांसपेरेंट एरियाज में, जो ग्रे पिक्सल्स बचे हुए हैं, अगर उनकी वैल्यूज 0.05 के नीचे है तो हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बैकग्राउंड के ऊपर दिखने वाला ही नहीं है। बट 0.05 से ऊपर की जो भी वैल्यू होगी वो एज अ नॉइज पैटर्न दिख जाएगा आपके मर्ज करने के बाद। सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट, वो बोल रहा था मैं। ठीक है, तो अभी मेरे को उसकी कोई वैल्यू नहीं मिल रही है तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है थोड़ा इधर का भी डिटेल मेरा जा रहा है तो आप चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सॉफ्ट मैटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कोर मैट बनाया मैंने, यहाँ पे मैं सबको लिख देता हूँ। यहाँ पे ये है आपका कोर मैट, ठीक है। ये है आपका हार्ड मैट, नहीं ये है आपका सॉफ्ट मैट। इसको कोर मैट को हम हार्ड मैट भी बोलते हैं, और ये वाला सॉफ्ट मैट है, ठीक है। मैं इसको बैकड्रॉप डाल देता हूँ। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही की लाइट यूज़ करो सॉफ्ट मैट के लिए, आप मल्टीपल जगह के लिए मल्टीपल सॉफ्ट मैट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ का ले लिया, थोड़ा यहाँ का ले लिया। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू योर कैमरा मूवमेंट और कैरेक्टर मूवमेंट यू हैव टू एनिमेट दिस रोटो। क्लियर हुआ? यस सर। नाउ बट बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आप लोग को बताने के पर्पज से बताया, आप लोग अपना कर लेंगे। नाउ अभी मैंने बोला कि मेरे को सिर्फ अल्फा की ज़रूरत है, ऐसा क्यों है वो भी मैं बता दूंगा आप लोग को। सो आई एम गोइंग टू डिलीट दिस एंड आई एम गोइंग टू टेक अ नोट कॉल्ड शफल, और शफल में जाने के बाद मैं इसको बोलता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू यूज अल्फा। मतलब यहाँ RGB खत्म हो गया, RGB मेरे को मिलेगा नहीं, अल्फा भी वही दिखेगा, RGB भी वही दिखेगा, क्योंकि मैंने सारे चैनल्स को अल्फा में कॉपी कर दिया है, राइट। नाउ अब यहाँ पे हम चालू करेंगे अपना RGB प्रोसेस। अब RGB प्रोसेस क्या होता है वो बताता हूँ मैं। अब आप लेंगे एक कॉपी नोड बाय हिटिंग K ऑन कीबोर्ड, यहाँ पे जिसमें कॉपी करना है उसका इनपुट B में जाएगा और जिससे कॉपी करना है उसका इनपुट कहाँ जाएगा, A में। तो यहाँ पे उल्टा हो गया क्योंकि अल्फा अपने को कहाँ चाहिए, यहाँ पे, और कॉपी कहाँ करना है,
आपको ओरिजिनल फुटेज पे। अभी समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ? जो अल्फा हमने बनाया उसको कॉपी करने वाले हैं हम ओरिजिनल फुटेज में, तो यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा। मैंने अभी बोला जिसका अल्फा कॉपी करना है वो ए में जाएगा और जिसमें अल्फा कॉपी करना है वो बी में जाएगा। तो अल्फा किस में जाएगा? इसमें। और कॉपी कौन सा अल्फा होगा? ये वाला। क्लियर हो रहा है? यस सर। तो अभी ये तो उल्टा हो गया है, तो आप इसको सेलेक्ट करें और शिफ्ट एक्स हिट करें स्वैप करने के लिए। ठीक है, शिफ्ट एक्स। नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज माय थिंग। आप बोलोगे इसका फायदा क्या हुआ सर? बट इसमें अगर यहां पे देखोगे तो आपको अल्फा नहीं मिलेगा, बट यहां पे आपको अल्फा मिलने लगा है, राइट? नाउ आपको पता है अल्फा को आरजीबी से मल्टीप्लाई करना हो या आपको ये एक्सट्रैक्ट करना, आपको चाहिए कि सर अल्फा जहां पे है वो उतने ही एरिया मेरे को वो दिखना चाहिए। तो आपको पता है कि अल्फा अगर किसी भी चीज को मल्टी प्रीमल्ट करेंगे तो अल्फा क्या होगा? मल्टीप्लाइड बाई आरजीबी। तो जहां पे जीरो होगा वो ऑटोमेटिकली पिक्सल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, और जहां पे ओपेक रहेगा या किसी भी पिक्सल की वैल्यू रहेगी उस वैल्यू में वो पिक्सल वहां पे सस्टेन कर जाएगी। क्लियर? तो आपको यहाँ पे अल्फा में दिख रहा है कि ये सब तो ब्लैक है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप प्रीमल्ट यूज करेंगे आपका ये सारा बच जाएगा और बाकी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और बोलोगे सर इससे अच्छा तो पहले वाला था, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन आने लगा, राइट? सो इस ग्रीन ग्रीन को भी हटा सकते हैं, एंड हटाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डी स्पिलिंग, राइट? आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे भी बैकग्राउंड अपना यूज कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडियोज ऐसा भी यूज करते हैं, बट द प्रोसेस इज दिस। क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विकिंग्स हम करते हैं, लाइक आप पिक्सल्स की वैल्यू को छेड़ते हैं, आप अल्फा सॉलिड करते हैं, कहीं अल्फा ट्रांसपेरेंट करते हैं, कलर से भी छेड़छाड़ होती है, तो अल्फा अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोसेस फॉलो करने से क्या होता है, आपके मेन कैरेक्टर के पिक्सल्स मतलब क्या होते हैं, बचे रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें छेड़छाड़ नहीं होती, और अल्फा की वैल्यू हम सिर्फ यहाँ से लेते हैं। इज इट क्लियर नाउ? सो अब आप पता है कि आरजीबी यहाँ से आ रहा है, ठीक है? और आरजीबी का कोई गड़बड़ होगा तो हम आरजीबी वाले स्ट्रीम में फिक्स करेंगे, और अगर कलर का कोई गड़बड़ होगा तो सॉरी मैट का कोई गड़बड़ होगा या अल्फा का गड़बड़ होगा तो हम अल्फा वाले स्ट्रीम में फिक्स करेंगे। ये तो इतना क्लियर हुआ ना आप लोग? तो ये कलर आ रहा है तो किस स्ट्रीम में फिक्स करेंगे हम लोग? इस वाले स्ट्रीम में, राइट? तो डी स्पिलिंग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे मैं पर्सनल यूज करता हूँ कीलाइट को यूज करता हूँ डी स्पिलिंग के लिए। आप कीलाइट को डी स्पिलिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाएं कीलाइट में और ग्रीन की वैल्यू को कर दें 1। तो जैसे ही ग्रीन की वैल्यू को आप 1 करेंगे क्या होगा? आपका पूरा का पूरा ग्रीन सप्रेस हो जाएगा। देखा, सप्रेस हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू यूज एक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, थोड़ा ग्रे मौज करते हैं जस्ट टू चेक। नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, दिख रहा है? हेयर्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? यस सर। यस सर। लेट मी फिगर इट आउट कि सारे हेयर्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो ऑलमोस्ट तो आ गए हैं, बट बहुत सारे हेयर्स यहाँ पे गड़बड़ हो गए हैं। तो इधर हम वो कीलाइट यूज करके, कीलाइट वाली टेक्निक यूज करके और डिटेल ऐड करें, राइट? दिख रहा है यहाँ पे थोड़े बहुत हेयर्स गए हैं? देखा यहाँ पे, देखो ये वाले हेयर्स गए हैं थोड़े, बट मेजर आपको डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। तो इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ कीइंग, राइट? बट प्रॉब्लम कब होती है? जब आप डार्क ऐसे वैल्यूज यूज करते हो तो आपको ये व्हाइट व्हाइट दिखना शुरू हो जाता है, राइट? तो उसको भी फिक्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग, बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जिससे हम फिक्स कर सकते हैं सारी चीजें, राइट? ओके, सो ये हो गया। बट मेजर प्रॉब्लम क्या हो गई है? अब जैसा आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ से देखूंगा 1 2 करूंगा, आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिख रहे हैं? दिख रहा है? या ल्यूमिनेंस चैनल ऑन करो, यहाँ से ल्यूमिनेंस चैनल ऑन करते हैं। आपको यहाँ पे ल्यूमिनेंस में फर्क दिख रहा है? यस सर। यहाँ पे मतलब ल्यूमिनेंस चेंज हो गई है, और कहीं हुई है क्या? देखते हैं,
यहाँ पे थोड़ी चेंज हुई है ल्यूमिनेंस, थोड़ी स्किन पे ल्यूमिनेंस चेंज हो गई है, मेजर यहाँ पे ल्यूमिनेंस चेंज हो गई। तो होता क्यों है ये, ऐसा क्यों होता है, जैसे ही आप डी स्पिल करते हो ना तो आपके ल्यूमिनेंस पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ग्रीन दिख रहा है, राइट, दिख रहा है ना, यस, तो वो ग्रीन भी सप्रेस हुआ है, तो इसकी वजह से ल्यूमिनेंस में चेंजेज आ गए हैं, तो आपको ल्यूमिनेंस को भी रिटेन करने की जरूरत पड़ती है। सो हाउ वी कैन डू दैट, बहुत सिंपल है, आपको पता है कि यहाँ पे डी स्पिल किया है, मेरे को वहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आई एम गोइंग टू टेक अ नोट कॉल्ड मर्ज, बहुत सिंपल है, ध्यान देना, और एक इन्फॉर्मेशन में मैं कीलेट को ऐड करता हूँ जहाँ पे हमने डी स्पिल किया है, और दूसरे इन्फॉर्मेशन में मैंने अपने सिंपल जो मेन आपका फुटेज है उसको इनपुट दिया है, और इसका जो ऑपरेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ, आइदर मैं माइनस यूज़ कर सकता हूँ या मैं डिफरेंस यूज़ कर सकता हूँ, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अब हुआ क्या, ये आपका है डी स्पिल, ये आपका है विदाउट डी स्पिल, तो जहाँ जहाँ पर डिफरेंस उसको दिखा उसने वहाँ वहाँ पर वो डिफरेंस ला के दे दिया मेरे को, दिखा आपको, यहाँ पर ग्रीन दिख रहा है यहाँ पर, यस सर, यस सर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ नोड कॉल्ड सैचुरेशन, और इसको मैं डीसेट कर दूंगा, सिर्फ कलर डीसेट हुआ बट यहां मेरे वो ब्राइटनेस या ल्यूमिनेंस की वैल्यू सेम सेम है। नाउ अब यहां पे मैं जाके इसको मर्ज कर देता हूं, किस मोड पे, प्लस। अब देखो यहां पे ल्यूमिनेंस कुछ और, यहां पे ल्यूमिनेंस वापस आ गया, देख रहे हैं, यस सर। अब आप चाहो तो ल्यूमिनेंस की वैल्यू आप ओरिजिनल उससे भी मिला सकते हो, हिट वाई ऑन कीबोर्ड तो एक्टिवेट ल्यूमिनेंस चैनल, अभी आपको दोनों में कोई फर्क नहीं दिखेगा, मैं स्वैप कर रहा हूं बट आपको ल्यूमिनेंस में कोई फर्क नहीं दिखेगा, दिखा, सो नहीं दिखा, मतलब फर्क नहीं है ना, सेम ल्यूमिनेंस की वैल्यू, हाँ सेम ल्यूमिनेंस की वैल्यू यहां पे आ गई है, यहां तक क्लियर हुआ सबको, यस सर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉपी माय बैकग्राउंड, यहां पे बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूं रेदर देन यूजिंग दिस, क्योंकि अल्टीमेटली ये बैकग्राउंड ही यूज करने वाले हैं, सो आई हैव दिस, मैंने रिफॉर्मेट किया, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और रेदर देन यूजिंग दिस मैं इसको डायरेक्टली यूज करता हूं, ठीक है, दिखा अभी, तो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत फोकस में है अपना कैरेक्टर, है ना, सॉरी कैरेक्टर बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड बहुत फोकस में है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन टेक अ नोट कॉल्ड डी फोकस, और मजे की बात क्या होती है डी फोकस करने की, अगर आप इसको देखोगे ना तो ऑलरेडी आपका ट्रैक पॉइंट इतना डी फोकस दिख रहा है, मतलब अगर वॉल सपोजिट यहाँ पे भी रहेगी इस क्रोमा के पास तो इतना डी फोकस तो होना चाहिए एटलीस्ट, Yes, या नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको इसमें मिलाता हूँ इसमें, और मैं कोशिश करता हूँ कि उतना डिफोकस करने की, ये ऑफकोर्स ये एक बार में नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट ये देखो बोके जो जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट ठीक है, अगर ज़रूरत रहेगा तो और डिफोकस हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट ऑलमोस्ट इतना डिफोकस है, ठीक है, ओके। नाउ यू कैन सी सर हमारा जो कैरेक्टर है उसके हेयर्स पे थोड़ी सी डिटेलिंग कम लगेगी, मैं अभी अभी यार पूरा फुल डिटेल लेके आएंगे, डोंट वरी, डिटेल है बट थोड़ी कम है, ठीक है, ये है ना, डिटेल है बट थोड़ी कम है, और एजेस भी आ रही है यहाँ पे, देख रहे हो, यस सर, यस सर, वही मैं कह रहा हूँ, मेरा फेवरेट पार्ट है एजेस फिक्स करना, क्योंकि इसमें सबको प्रॉब्लम होती है, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू रिटेन आवर हेयर डिटेल मोर, सो इसके लिए मैं एक प्रोसेस यूज करने जा रहा हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई प्रोसेस, राइट। सो डिवाइड मल्टीप्लाई प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये यूज किया है डी स्पिलिंग, यहीं पे आई एम गोइंग टू टेक अ कॉन्स्टेंट नोड, ठीक है, और कॉन्स्टेंट नोड में मैं सेम कलर पिक करता हूँ ऑलमोस्ट आजू बाजू का ही, ताकि डिटेल अच्छी निकले, सपोज दैट यहाँ पे चलो, और आई एम गोइंग टू टेक अ मर्ज नोड,
अगेन, ठीक है, इट माइट बी लिटिल कंफ्यूजिंग बट ध्यान से देखना, और इसको मैं कर देता हूं ऑपरेशन डिवाइड। अब डिवाइड में कुछ अजीब सा दिख रहा है, मतलब इनपुट्स स्वैप करने की जरूरत है, कंट्रोल सॉरी शिफ्ट एक्स। अभी देखो, जैसे ही इनपुट मैंने स्वैप किया तो डिवाइड में क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? जब डिवाइड ऑपरेशन हम लगाते हैं तो क्या होता है? सर लाइट इन लाइट और नहीं डार्क नहीं वैल्यू नहीं के साथ नहीं नहीं तो मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? टू और 2 डिवाइडेड बाई 2 वन 1, और न्यूक में 1 की वैल्यू क्या होती है? वाइट की वैल्यू होती है। यस सर तो जैसे ही डिवाइड किया, आप अगर ध्यान दोगे तो वाइट के ऊपर मेरे हेयर्स डार्क दिखने लगे हैं, देख रहे हैं? यस सर और अगर आपको याद हो तो एम्बिएंट ऑक्लूजन भी कुछ ऐसा ही होता है, होता है यस सर उसमें डार्क और वाइट ब्राइट की इंफॉर्मेशन होती है। यस सर अब यहां पे ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूं, सारा ट्रिक यहीं पे है। अब ये वैल्यू को मैं बैकग्राउंड के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो ये इंफॉर्मेशन आई है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बैकग्राउंड के साथ। अभी क्या हुआ दिख रहा है? हेयर, बट ये पर्पल पर्पल कुछ तो आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है, इस कलर की वजह से आ रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, सेम जो हमने डीएसपील यूज किया था, सेम डीएसपील हम यहां पे भी दोनों जगह यूज कर लेंगे। हट गया पर्पल, और आपको क्या मिल रहा है अभी? प्रॉपर हेयर की डिटेल, अंदर वाला पार्ट मत देखो। नाउ इफ आई एम गोइंग टू लुक फ्रॉम हियर, कुछ चेंज दिखा आपको? बोलोगे नहीं सर कुछ तो चेंज नहीं दिखा है मेरे को, बट नाउ सी व्हाट व्हाट व्हाट्स व्हाट हैपेंड। दिख रहा है हेयर? जैसा है इसकी शार्पनेस बढ़ गई है अरे डिटेल विजिबल ज्यादा हो रहा है डिटेल बढ़ और गई है, देखो डिटेलिंग एक एक हेयर की डिटेल यहां पे आ गई है। यस सर इजेंट इट ग्रेट? देखो यहां पे डिटेल, देखो हेयर की बहुत कम थी यस सर बट अभी देखो क्लियर। यस सर यस सर तो ये ऑलमोस्ट हर जगह पे काम नहीं करता है टेक्निक, जहां जहां पे इन्फॉर्मेशन वैरी करेगी वहां वहां पे थोड़ा सा थोड़ी तकलीफ हो सकती है। नाउ वी कैन फिक्स दिस एज, बहुत तरीके हैं इसको फिक्स करने के, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। आप इनफैक्ट यहाँ पे एक बताता हूँ, बहुत पहले सिंपल तरीके से मैं चालू करूँगा, एक अपडेट करता हूँ, और यहाँ पे एक टूल होता है किल आउटलाइन, ठीक है। अब मेरे को पता है ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, तो आई कैन यूज किल आउटलाइन एंड बूम, खत्म, सब खत्म हो गया। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो, यस सर ये देखो खत्म हो गया। बट यस इसके सर आर्टिफैक्ट्स भी हैं, तो बहुत ज्यादा मैं प्रिफर नहीं करता कहीं कहीं पे। अब इसमें मास्क का भी वैल्यू ऑप्शन है, आपको जितने एरिया में यूज करना है उतने एरिया में यूज कर लो, जैसे मैं इतने एरिया में यूज कर लूंगा एंड इट्स वर्किंग प्रिटी फाइन, देख रहे हो? यस आई कैन सर यूज इट। दूसरा तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं बताता हूं। एक और तरीका आप लोग को बहुत ही अच्छे से, लेट मी अरेंज दिस थोड़ा, ओके ये सेम प्रोसेस मैंने यहां पे भी बना के रखा हुआ है, राइट? बट मैं पूरा का पूरा स्क्रैच से बता रहा हूं आप लोगों को कि कैसे किया हुआ है, राइट? सो यहां पे देखो, ये आपको याद है, ये एक सेचुरेशन याद है जहां पे हमने पूरा ल्यूमिनेंस की वैल्यू को रिटेन किया था, यस सर राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट सी,
आई एम गोइंग टू टेक अ नोट कॉल्ड मर्ज, और इसके लुमिनेंस को बैकग्राउंड के लुमिनेंस से मल्टीप्लाई करता हूं. सिंपल, किसके लुमिनेंस को, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, और ये जो मर्ज किया है अब यहां से मर्ज करता हूं. ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही मैं यहां पे इसको यहां से कनेक्ट करूंगा, देखना क्या होगा. एज दिख रहा है? यस, फिक्स हो गया. फिर से देखो, एज दिख रहा है? यस सर. अभी फिक्स हो गया? यस सर. तो ये तो एक एक ये भी तरीका, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप यूज करके आप ऐसे एजेस को फिक्स कर सकते हो. और जरूरी नहीं कि हर एक टूल काम में ही आ जाए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ सेम टेक्निक हर जगह ही काम में होगा, डिपेंडिंग अपन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से कहाँ पे क्या यूज करना है. पहले आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि आ कहाँ से रहा है. मेरे को पता है कि ल्यूमिनेंस की प्रॉब्लम है, ल्यूमिनेंस की वजह से एज आ रहा है. सो व्हाट आई डिड, मैंने बैकग्राउंड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया ल्यूमिनेंस की वैल्यू को, और फिर प्लस किया, और नाउ आई कैन सी यहां पे अल्फा कॉपी किया, मल्टीप्लाई किया, और देखो बूम, राइट, डन. यस सर. तो दिस इज द वे वी कैन फिक्स इट. अब यहां पे भी थोड़ी सी अगर ध्यान से देखोगे तो हल्का ग्रीनिश कुछ तो दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर, लेमनस्टाइन शेड. हाँ, उसको भी फिक्स कर सकते हैं अपन, हालांकि वो मेन फुटेज में ही है. अगर आप ध्यान दोगे तो वो फुटेज में ही है यहाँ पे ग्रीन, बट लेट मी ट्राई टू फिगर इट आउट कि कैसे फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, कैसे फिक्स कर सकते हैं, सिंपल. मैं क्या करता हूँ, एक की लाइट लेता हूँ. ठीक है, ये प्रॉब्लम अगेन कलर की है, तो मैंने क्या बोला था, कलर की प्रॉब्लम होगी तो हम कलर वाले सेक्शन में ही फिक्स करेंगे, राइट. अल्फा की प्रॉब्लम होगी तो हम अल्फा वाले सेक्शन में फिक्स करेंगे. तो आई एम गोइंग टू टेक अ की लाइट. ठीक है, सिंपल की लाइट में इसको मैं वन करता हूं. ठीक है, और वन करने के बाद मैं कीमिक्स लेता हूं, एक कीमिक्स, याद है ना, कीमिक्स लिया था हमने अभी, और यहां पे नहीं, हम कीमिक्स यहां पे ऐड करेंगे. ठीक है, और इसको ए में हिट करता हूं, एंड आई एम गोइंग टू टेक अ नोड कॉल्ड रोटो. विदाउट रोटो तो काम करेगा नहीं. अब सपोज दैट आपको यहां का एरिया फिक्स करना है, राइट. सपोज दैट, मतलब एक मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, एंड थोड़ा सा इसको हम लोग सॉफ्ट फेदर देते हैं. अब इसमें आई एम गोइंग टू प्ले विद स्क्रीन कलर, देखना कुछ चेंजेस होगा. दिख रहा है अभी चेंजेस वहां पे दिख रहे हैं? यस. तो देखता हूं कहां पे क्या काम करता है. मेरे को ये काम नहीं कर रहा है, सो आई कैन यूज माई स्क्रीन बैलेंस अ लिटिल. ओके, अभी बताओ मेरे को, अभी कुछ फर्क पड़ा क्या? देखो, देखना, ये था पहले, फर्क पड़ा? हाँ सर. यस सर, वो भी फिक्स हो गया. अब जहां जहां पे आपको चाहिए वो रोटो मास्क करके लगा देंगे तो हो जाएगा, हो जाएगा. बट अल्टीमेटली आप देखो, अगर ये नहीं बोल रहा कि अभी और थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मैंने इस पे काम किया हुआ है तो मेरे को पता है प्रॉब्लम क्या है, बट आप फ्रेश अगर किसी भी शॉट पे काम करने जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी. तो इसी तरीके से आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है. बट आई वुड से इट्स अ गुड स्टार्ट. अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे तो देखो क्रोमा कैस कितने अच्छे तरीके से, और हेयर की डिटेल कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे निकली हुई है, दिख रही है? यस सर. सो दिस इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड इसके बाद सेम वे मैंने थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, कलर करेक्शन थोड़ा सा किया है, सिर्फ ग्रेडिंग वो करने के लिए थोड़ा सा मैंने विनेट वगैरह डाल दिया, बाकी कोई कलर ग्रेडिंग नहीं किए, सेम टेक्निक से ये यूज़ किया. एंड इफ आई एम गोइंग टू यूज माई लेटर बॉक्स, सो दिस सीन इज लुकिंग प्रेटी नाइस. यस सर.
इजेंट इट? यस सो एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं मैंने इसमें आप लोगों को, और इसमें आप ये भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट एक और नोड होता है यहाँ पे, रेदर देन यूजिंग मर्ज, आप थोड़ा ट्राई करना, उसका नोड का नाम भूल गया मैं, मर्ज की जगह यूज करते हैं हम लोग। मेरे को याद आएगा तो बता दूंगा मैं। वो यूज करते हैं हम लोग मर्ज की जगह पे, तो उसमें भी कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके एजेस को फिक्स करने के लिए। बट बाय यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स, आप चाहें तो आपका क्रोमा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल्ड क्रोमा आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सो एनी डाउट? नो सर, नो। ओके सो प्रैक्टिस करो इसको, मैंने ये सेशन भी रिकॉर्ड किया हुआ है। ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू शेयर विद यू गाइस, राइट? सो कोई डाउट नहीं है? डाउट दो ही केस में नहीं आता, या तो सब समझ में आ जाए या कुछ भी समझ में ना आए। सर ये फुटेज इसी के ऊपर प्रैक्टिस करनी है या अपने कुछ फुटेज, मतलब मैं शेयर करूंगा, मैं करता हूँ शेयर, एक सिंगल फ्रेम में दे दूंगा, क्योंकि ये DPX 4K की फाइल है तो सारा फाइल तो नहीं हो पाएगा शेयर, बट आई विल डेफिनेटली शेयर वन वन फ्रेम। ओके ठीक है, ओके सर।